हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज जनहित स्किन केयर सेंटर से, और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम बनाने वाले हैं एक अद्भुत फेस पैक जिसका नाम है कायाकल्प फेस पैक, जिसको जो स्किन को बिल्कुल रिजुविनेट कर देता है। तो स्किन पे आजकल की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि पोल्यूशन इतना सारा हो गया है, स्ट्रेस इतना हो गया है, वर्कलोड इतना हो गया है, और साथ में फ्री रेडिकल्स इन्वायरमेंट में इतने हो गए कि स्किन को अब एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। अदरवाइज स्किन आपकी जल्दी ही डल हो जाएगी, जल्दी एजिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको एंटी एजिंग कोई फेस पैक यूज़ करना है तो ये यूज़ कीजिए। हमने अच्छे से अच्छी सामग्री इसको सेलेक्ट करके इसको बनाया है। और अगर आपके किसी भी तरह के दाग धब्बे कैसे भी हैं, अगर मान लो एक्ने के हैं या सनबर्न के हैं, बहुत ही अच्छा यूज है इसका। और साथ ही अंडर आई पफिनेस बहुत ज़्यादा हो जा रही है स्ट्रेस की वजह से, लेट नाइट जागने की वजह से भी अंडर आई पफिनेस आ जाती है, तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा यूज है। साथ में डार्क सर्कल्स हैं और स्किन डल हो रही है, तो उसको वीक में दो बार यूज़ करते हैं तो आपको दो महीने में इसके अल्टीमेट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपकी स्किन बिल्कुल यंग और ब्राइट और ब्राइटर हो जाएगी, एकदम चमकदार स्किन हो जाएगी कि देखते ही लगेगा कि हाँ, स्किन में कुछ तो ग्लो आया है। और गोरा भी ये काफ़ी हद तक कर देती है, स्किन लाइटनिंग एजेंट इसमें कुछ हैं तो जो गोरा कर देते हैं चेहरे को, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर आपको कलर थोड़ा साफ करना है तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा यूज है। आप वीकली दो बार यूज कीजिए और दो महीने में इसका असर देखिए। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी सामग्री क्या क्या है। और तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा इन्ग्रीडियंट्स है चक्रफूल या स्टार एनीज, ये एक मसाला है। और अगर आप देखें हमारे इंडियन ट्रेडिशन देखें तो बहुत से मसाले मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। स्टार एनीज में फिनॉल कंस्टिट्यूएंट होते हैं और एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है। इसका हम स्किन टोनर भी बना सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कैसे बनाना होता है। और ये बहुत ही अच्छा है सैगी स्किन में, सैगी स्किन है, रिंकल्स हैं अगर चेहरे पे, एजिंग प्रोसेस को रोकने में बहुत अच्छा काम करता है। तो एजिंग प्रोसेस में रोकने का इसका बहुत ही अच्छा यूज है, और ये फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपकी स्किन को बचाता है। ओपन पोर्स में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। तो ये आज के हमारे जो रिजुविनेट करने वाला फेस पैक है उसका मेन इंग्रेडिएंट यही है। चक्र सामग्री डालते हैं, देखो दूसरा है हमारा चावल का आटा। तो चावल आप या तो घर पे पीस सकते हैं या मार्केट से पीसे हुए भी ले सकते हैं, मिक्सी में पीस जाता है, उसको आप आराम से कॉटन के किसी कपड़े में छान लें बारीक। और उसके बाद इसका देखो हमने एक चम्मच डाला था स्टार अनीस, तो हमें इस आधा चम्मच जितना आपने वो डाला है उसकी आधी मात्रा इसकी डालनी है। जो चावल का आटा है वो स्किन टाइटनिंग एजेंट होता है, बहुत ही अच्छा और एक्सट्रीमली रिच एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो स्किन से एक्सेसिव ऑयल को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है, स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें जो आपको गोरा बनाती हैं। साथ ही अगर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं स्किन पे या एक्ने के हैं, सनबर्न के हैं, जिस भी तरह के हैं, सभी को कम करता है और स्किन को स्मूथ और ब्राइटर बनाता है, स्किन चमक जाएगी आपकी इससे। तो तीसरी चीज़ है हमारी शुगर, ये पिसा हुआ चीनी है, ये आप मार्केट से भी ले सकते हैं, घर पर भी पीस सकते हैं। तो इस ये भी आपको आधा चम्मच ही डालना है इसमें। तो ग्लाइकोलिक एसिड है इसमें और अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होता है शुगर में, आप देखेंगे तो, जो स्किन के टॉक्सिन को निकालता है, उससे बचाता है और डेड स्किन को क्लियर करता है, क्योंकि ये एक एक्सफोलिएटर का काम करता है, बहुत ही अच्छा होता है, इम्प्योरिटीज़ को स्किन से कम करता है, उसको निकालता है, आपकी स्किन की टोन को बनाए रखता है, साथ में डार्क स्पॉट्स को भी हटाता है स्किन से। इंग्रेडिएंट हो गया हमारा। और साथ में चौथा है, चौथा यूज़ कर रहे हैं हम कॉफ़ी। तो जैसा कि आप जानते हैं कॉफ़ी भी हमको आधा चम्मच ही लेना है। तो कॉफ़ी में कैफीन होता है जो कि पोटेंट एक्सफोलिएटर होता है, तो और एक एंटीऑक्सीडेंट है कॉफ़ी। तो एक्सफोलिएटर समझ लेते हैं, एक्सफोलिएटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि डेड सेल्स को सरफेस से हटाया जाता है। और आपको सबको पता होगा जैसे कि लगभग 30 दिन की साइकिल होती है स्किन सेल्स की, उसके बाद में ये धीरे धीरे बनती रहती हैं और डेड होती रहती हैं। तो डेड स्किन का ऊपर से हटना ज़रूरी है ताकि नई स्किन सेल्स को जगह मिल पाए वहाँ पे। अदरवाइज अगर स्किन सेल्स वहाँ से नहीं हटेंगी डेड वाली, तो नई जो स्किन है वो भी उसके साथ में डल हो जाएगी, और ऊपर से जो आपकी सरफेस दिखेगा वो भी डल दिखेगा, क्योंकि वहाँ है ही डेड स्किन, और उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं न्यू स्किन सेल्स को वो नहीं मिल पाएंगे, रेस्पिरेट नहीं कर पाएगी स्किन, तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। तो डेड स्किन का हटना बहुत ज़रूरी होता है। बात करें तो हम कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी आपकी स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, डेड स्किन हटाता है, पीएच मेंटेन करता है, स्ट्रेच मार्क्स जो अगर हैं कहीं पे तो उनको भी कम करता है, डार्क स्पॉट को कम करता है, डार्क सर्कल्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है ये है कोकोनट ऑयल। तो इसको थोड़ा सा ही डालना है, लगभग आधा चम्मच ही डालना है, आधा टी स्पून ले सकते हैं, तो उतना इसको डालिए। और ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है स्किन के लिए,
ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करता है। देखो स्किन में जितना ज़्यादा पानी होगा, आपका स्किन जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड होगी उतनी ही ज़्यादा यंग रहेगी। स्किन जितना डिहाइड्रेट होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो स्किन को हाइड्रेट करने में ये बहुत अच्छी मदद करता है कोकोनट ऑयल, क्योंकि ये जो स्किन की प्रोटेक्टिव बैरियर लेयर जो होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से स्किन मॉइस्चर जो है मेंटेन रहता है और कोलेजन प्रोडक्शन को भी स्किन में बढ़ाता है और स्किन इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। तो झुर्रियाँ हैं या दाग धब्बे हैं इन सभी में कम करने में बहुत मदद करता है आपके। और नेक्स्ट है गुलाब जल, तो इसको इसे आप कंसिस्टेंसी बना लिए जितना आपको पतला करना है। एक ऐसी चीज़ है जो हजारों साल से ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह यूज होता आ रहा है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसमें होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एक्ने को भी कम करता है, अंडर आईज पफिनेस को भी बहुत कम करता है और ओपन पोर्स को बंद करने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल मतलब एक तरह से मुझे स्किन को रिजुविनेट करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले गुलाब जल करता है। तो इसके बाद हमारा लास्ट इन्ग्रीडियंट रह जाता है विटामिन ई कैप्सूल्स। इसमें आप एक कैप्सूल लीजिए, मार्केट में आराम से फ्रीली अवेलेबल है, इसको काटिए और इसमें डाल के मिला लीजिए। तो ये बन के तैयार हो गया आपका रिजुविनेट करने देने वाला फेस पैक। इसको हफ्ते में दो बार लगाइए, इसको लगाने के बाद 20 मिनट तक सूखने दीजिए, सूखने के बाद में इसको धो लीजिए, चेहरा साफ़ कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।